हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि सूजी के दानेदार लड्डू घर पे कैसे बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। आपको हम इसको तोड़ के दिखाते हैं कितना सॉफ्ट लड्डू बन कर के तैयार हो गया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यह हमने एक कप सूजी ले लिया है, ये ग्राम में 200 ग्राम है, और उसी कप से हमने एक कप बेसन ले लिया है। तो इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। ये हमने 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मलाई। ये फ्रेश मलाई है दूध का, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हमने इसमें मावा या मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, इसमें मलाई इसीलिए डाला है ताकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन सके। आप चाहे तो मलाई ना भी ऐड कर सकें, आप इसमें चाहे तो दूध डाल दीजिए, दूध का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा दूध ज़्यादा लगेगा। मलाई को हमने मिक्स कर लिया है इसमें, अब हम इसमें 2 चम्मच दूध डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध एक बार में नहीं डालना है आपको, थोड़ा थोड़ा करके इसका डो बना लेना है। इसी तरह से आपको धीरे धीरे इसको मिक्स करते हुए जाना है। बहुत ज़्यादा सूखा आपको डो नहीं बनाना है, थोड़ा सा गीला ही इसको रखना है, क्योंकि ये सूजी है थोड़ा सा फूलता है, तो इसको थोड़ा सा गीला डो बना करके हम इसको तैयार करेंगे। ये डो बन गया है, थोड़ा सा गीला है, ये बाद में सूख जाएगा। अब हम इसको आधा घंटा के लिए ढक करके रख देंगे। यहाँ आधा कप से भी कम हमने दूध का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने इसमें मलाई ऐड किया था, इसलिए इसमें दूध का इस्तेमाल कम हुआ है। अब अगर मलाई नहीं डालेंगे तो थोड़ा सा दूध ज़्यादा लगेगा आपको। ये आधा घंटा के बाद फूल करके तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हल्का हाथों से मसल लेना है और चिकना कर लेना है इसको। ये मसल के हमने चिकना कर लिया है, अब हम इसको 4 हिस्सों में बांट लेंगे। इसको बराबर से 4 हिस्सों में आपको बांट लेना है। चार हिस्सों में इसको बांट लिया है, अब इसको रोटी के जैसा बेल लेंगे। इसको पहले इसको हाथों से अच्छी तरह से दबा दबा के आपको चपटा कर लेना है, क्योंकि ये सॉफ्ट डो तो है नहीं कि बहुत अच्छे से ये बेल सकते हैं आप इसको, ये थोड़ा सा हार्ड है, इसीलिए आपको इसी तरह से दबा दबा के पहले हाथों से चपटा कर लेना है, फिर बेलन से धीरे धीरे इसको बेल लेना है आपको। इसको रोटी के जैसा बिल्कुल गोल बनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको इसको बेल के सेंकना है और फिर इसको मिक्सी में पीस लेना है। बहुत ही आराम से इसको घुमा घुमा के इसको हल्का हल्का करके दबा लेना है। जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये मोटा है वहाँ से आप इसको बेल लीजिए या फिर हाथों से दबा दीजिए। आराम से इसको उठाना है और एक प्लेट में रख देना है साइड में। इधर तवा को हमने पहले से ही चढ़ा दिया था लो मीडियम फ्लेम में और ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये रोटी डाल देंगे और इसको धीमी आंच पे लो मीडियम फ्लेम में इसको पलट पलट के अच्छी तरह से सेंक लेंगे इस रोटी को। गैस का फ्लेम को आपको बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, वरना रोटी अंदर से कच्ची रह जाएगी। धीमी आंच पे ही इस रोटी को पकाना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। पलट पलट के रोटी को अच्छी तरह से सेंक लेना है। ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है दोनों साइड से ही। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, और बाकी के सारे बचे हुए रोटी को भी हम बना करके तैयार कर लेंगे। ये रोटी हमारा सारा बन करके तैयार हो गया है, अब हम इसको तोड़ लेते हैं, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसी तरह से सारे रोटी को आपको तोड़ लेना है और इसको ठंडा कर लेना है।
ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। थोड़ी थोड़ी जो बड़ी रोटी है उसको हम अच्छी तरह से डालते वक्त तोड़ देंगे। आप जहाँ तक तोड़ सकते हैं आप इसको छोटा छोटा बिल्कुल तोड़ लीजिए इसको, ताकि पीसने में कोई दिक्कत ना आए आपको। अब हम इसको पीस लेते हैं मिक्सी में। ये पीस चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा पीस करके तैयार हो गया है, बिल्कुल दानेदार बन करके तैयार हो गया है। बाकी का बचा हुआ आधा भी हमने पीस लिया है और इसको एक साथ में एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये जो गुठ लिया है इसको हाथों से अच्छी तरह से तोड़ लेना है। यहाँ हमने एक पैन ले लिया है और पैन को थोड़ा सा गर्म कर लिया है। इसमें हम डालेंगे घी 2 चम्मच। घी को मेल्ट होने देते हैं। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। हमने इसमें थोड़ा सा काजू, 5 से 6 काजू और 7-8 बादाम को अच्छी तरह से काट लिया है। आप चाहे तो इसको दरदरा हल्का मिक्सी में चला लीजिए। इसको 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। 2 मिनट के बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दिया है और हम इसमें डालेंगे 10 से 12 किशमिश और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको साइड पर रख देंगे। एक पैन ले लिया है हमने, फ्लेम को बिल्कुल ऑफ रखा है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। 1 कप चीनी लेना है और 1/2 कप पानी, और चीनी को बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट होने तक चला लेना है और 1 तार की चाशनी बना करके तैयार करना है। अभी सारी चीज़ों को बराबर मात्रा से लेना है। 1 कप सूजी, 1 कप बेसन और 1 कप चीनी। चीनी घुल चुका है बहुत अच्छे से, ये थोड़ा चिपचिपा है। 1 तार की चाशनी हमको अभी बनाना है इसमें। चीनी बिल्कुल घुल चुका है और 4 से 5 मिनट इसको पका लिया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, एक तार की चाशनी बन करके तैयार हो गया है। फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है और हम इसमें डालेंगे घी। 1 चम्मच हमने इसमें घी डाला है। घी थोड़ा सा हमने ज़्यादा लिया है, थोड़ा सा भर करके घी लिया है, क्योंकि हमको इसको जमाना बिल्कुल नहीं है। इसका बूरा बना करके हम तैयार करेंगे, लेकिन हम ये बूरा पाउडर फॉर्म में नहीं बना रहे हैं। इसको चलाते हुए आपको ठंडा करना है, छोड़ देना नहीं है। बहुत अच्छा बन करके बूरा तैयार होता है। हम इसको लिक्विड बूरा बनाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा जमाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जमाना है। अगर आप ज़्यादा जमाएंगे तो घी थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा कम जमेगा ये तो लड्डू बनाने में घी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम होगा। इसी तरह से चलाते हुए आप देख सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट बूरा बन करके तैयार हो गया है। इसी कंसिस्टेंसी का बूरा हमको चाहिए था, बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं चाहिए था। लड्डू बनाने के लिए ये परफेक्ट होता है। अगर आप बूरा का पाउडर बनाएंगे तो उसमें घी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। ये जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करके रखा था इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब बूरा को भी इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो चीनी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, हल्का दरदरा रखना है और इसमें आप चीनी पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। टेस्ट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, थोड़ा बूरा वाला टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अब कोशिश कीजिए कि बूरा डालने का, उसे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर आता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। 2-2 चम्मच करके घी आपको इसको डालना है, एक बार में बिल्कुल भी घी नहीं डालना है। आप इसको अच्छी तरह से चलाते हुए देख लीजिए कि ये मुट्ठी बन करके तैयार हो रहा है कि नहीं। ये देखिए, मुट्ठी बन करके तैयार हो गया है, मतलब इसका अब हम लड्डू बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा घी का हमने इस्तेमाल नहीं किया है इसमें। ये सारा लड्डू बन करके हमारा तैयार हो गया है।
एक लड्डू को हम आपको तोड़ के दिखाते हैं ये अंदर से कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए कितना अच्छा कितना बेहतर बना है। अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट या फिर टूटी फ्रूटी से इसका गार्निश कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है, बहुत ही अच्छा हेल्दी है। बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आप कोई भी फेस्टिवल में इसको बना के खाइए और सबको खिलाइए, आपको बार बार बनाने का मन करेगा और खाने का मन करेगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ।